दोस्तों टायर्स तो आपने बहुत तरह के देखे होंगे, जैसे बाइक्स के टायर, कार्स के टायर, ट्रक्स के टायर। बट आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो टायर्स पे लगे इम्प्रेशन के बारे में जानते हैं और उन्हें समझते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये टायर्स पे लगे इंप्रेशन कुछ और नहीं, इसके डायमेंशंस हैं। तो आज हम बात करेंगे इसकी, जी हाँ, टायर्स पे लगी इंप्रेशन और उसकी डायमेंशंस की। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फर्स्ट नंबर पे आती है टायर की विड्थ, जिसे हम कहते हैं सेक्शन विड्थ ऑफ टायर, जो हमेशा mm यानी मिलीमीटर्स में होती है। तो यहाँ पर इसकी विड्थ हो गई 175 mm या फिर 175 मिलीमीटर्स। जितनी ज़्यादा टायर की विड्थ होगी, उतना ही ज़्यादा व्हीकल रोड पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना के और स्टेबल होके चलेगा। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात की जाए तो ज़्यादा सेक्शन विड्थ वाले टायर्स डेजर्ट और टेरेन एरिया में फ़ायदेमंद साबित होंगे। बट सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण इसकी कुछ खामियां भी है। जहाँ ये डेजर्ट और टेरेन वाले एरिया में फ़ायदेमंद साबित होगा, वहीं पर नॉर्मल रोड्स पर ज़्यादा सेक्शन विड्थ वाले कार्स की माइलेज हमेशा कम होगी, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उसका। तो ये आपको देखना है कि आपको अपनी कार्स के अकॉर्डिंग कौन सी विड्थ वाले टायर्स की ज़रूरत है। तो अगली बात कर लेते हैं उसके एस्पेक्ट रेशो की। तो एस्पेक्ट रेशो होता है टायर्स की क्रॉस सेक्शन की हाइट और उसकी विड्थ के बीच का रेशो, और ये वैल्यू जनरली परसेंटेज में होती है। और इसी क्रॉस सेक्शनल हाइट को हम साइड वॉल के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि जो इसकी साइड वॉल है वो इसकी विड्थ का 70% है। जैसे उसकी विड्थ यहाँ लिखी है 175 mm, तो इसकी साइड वॉल होगी 175 का 70%। और अब नेक्स्ट है इसका कंस्ट्रक्शन कोड। ये कंस्ट्रक्शन कोड आपको टायर के टाइप के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे लिखा है R, R मीन्स होता है रेडियल। वैसे तो दोस्तों 3 टाइप्स के टायर कंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे रेडियल टायर्स, बायस और डायगनल टायर्स, या फिर सॉलिड टायर्स। बट ज़्यादातर आपको यहाँ पर R ही लिखा हुआ दिखेगा, मतलब कि ये रेडियल टायर्स हैं। तो रेडियल टायर्स के अंदर स्टील की कॉर्ड्स होती हैं, जो कि टायर्स की ट्रैवल की डायरेक्शन के 90 डिग्री होती हैं, और ये स्टील की कॉर्ड्स सेंटर से निकलती हैं, इसीलिए इनको रेडियल कहते हैं। और फाइनल नंबर होता है इसका डायमीटर, जो कि इंचज में होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 14, तो इस टायर का डायमीटर है 14 इंचेस। तो नेक्स्ट टाइम आप भी अपनी कार या बाइक का टायर्स लेने जाएं, तो इन सब डायमेंशंस का ध्यान रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन।